हेलो दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित आ रही है। जिन बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो गया है उनको 2 नवंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलने वाला है और उसमें जो स्कूल का आवंटन होगा वह स्कूल का आवंटन जो है वह नए तकनीक के माध्यम से यानी सॉफ्टवेयर से तैयार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए विस्तार से जानते हैं और समझते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मियों की कोई दखल नहीं होगी, नए शिक्षकों को स्कूलों में तैनाती सॉफ्टवेयर करेगा। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 120,336 शिक्षकों को स्कूल आवंटित करने में शिक्षा विभाग जुट गया है। इसको लेकर विभाग ने एक विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया है, इसी के माध्यम से शिक्षकों को स्कूल आवंटित किया जाएगा। 2 नवंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिए जाने के पहले स्कूलों का आवंटन हो जाए, शिक्षा विभाग इस प्रयास में लगा हुआ है। क्योंकि 2 नवंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, उससे पहले स्कूल का आवंटन हो जाना चाहिए कि किस शिक्षक को किस प्रखंड के किस विद्यालय में योगदान करना है। ठीक है दोस्तों, और नियुक्ति पत्र वितरण का जो कार्यक्रम है वह जिला में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में होगा, जबकि राज्य में गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा करीब करीब वहां 25,000 अभ्यर्थियों का जुटान होगा, जिसमें 500 अभ्यर्थियों को मंत्री मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अब 27 जिले के शिक्षक के मैदान में आएंगे, क्योंकि अन्य दूरी के कारण पटना नहीं बुलाया गया। ठीक है दोस्तों, और इस वक्त की यह बहुत बिग ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि अब शिक्षकों का जो स्कूल आवंटन होगा वह एक सॉफ्टवेयर करेगा, इसमें किसी भी शिक्षा विभाग के अधिकारी की कोई भूमिका नहीं होगी। थैंक्स दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें, शेयर भी करें और अपना बहुमूल्य समय अगर देखने में लगाते हैं तो विशेष रूप से इस न्यूज को देखें और समझें कि आपके लिए लोकप्रिय है या नहीं। थैंक्स दोस्तों।